इसका नाम है अल इफादातुल योमिया। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इसका अल इफादातुल योमिया मिन अल इफादातुल कौमिया। पांच जिल्दों में मौलाना अशरफ अली थानवी की मलफूजात लिखी गई, छपी मकतब दानिश देवबंद यूपी से है। इस किताब की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर इसका 526, किस्त नंबर 5 और मलफूज नंबर 940। मौलाना अशरफ अली थानवी खुद क्या लिखते हैं, कहते हैं मौलवी गौस अली शाह साहब बड़े हकीम और जरीफ थे। मौलवी गौस अली शाह साहब मौलाना अशरफ अली थानवी के बुजुर्गों में आते हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी के बुजुर्गों में हैं, अकाबिर में हैं और देवबंद के बहुत बड़े आलिमों में हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी खुद इनकी ताजीब करते थे, लिहाजा उनके ताल्लुक से एक बात लिखते हैं, कहते हैं कि मौलवी गौस अली शाह साहब बड़े हकीम और जरीफ थे, इनके सामने दूसरे को दुआ दी कि ईमान की सलामती और आकिबत बखैर हो। मौलाना थानवी कहते हैं कि मौलाना गौस अली साहब जो हमारे देवबंद के बुजुर्ग हैं उनके सामने मैंने एक शख्स को दुआ दे दी और दुआ ये दी कि तुम्हारा ईमान सलामत रहे और तुम्हारी आकिबत, आकिबत कहते हैं आखिरत को, हश्र को, तुम्हारा आकिबत, तुम्हारा हश्र का दिन बेहतर हो जाए, तुम कामयाब हो जाओ। तो कहते हैं कि मौलवी साहब ने पूछा, यानी मौलवी गौस अली साहब ने पूछा, भाई इसकी हकीकत भी मालूम है, ईमान की हकीकत मालूम है कि आपने दुआ की कि ईमान सलामत रहे, आकिबत की हकीकत मालूम है कि दुआ कर दी आकिबत सलामत रहे। उसने अर्ज किया, आप ही फरमाइए। थानवी साहब कहते हैं कि उस शख्स ने कहा, आप ही बताइए ईमान की हकीकत क्या है, आकिबत आखिरत की हकीकत क्या है। इस पर फरमाया गौस अली साहब ने, ईमान की सलामती तो यह है कि पेट भरकर रोटी मिल जाए और आकिबत बखैर यह है कि खुलकर पाखाना हो जाया करे, बस यही बड़ी नेमत है। ईमान की तारीफ क्या है इनके नजदीक? ये मौलाना अशरफ अली साहब की तालीमात है। हमारे नजदीक तो ईमान वो है कि जान चले जाए मगर ईमान ना जाने पाए, ये ईमान की तारीफ है। और ईमान क्या है हमारे नजदीक? अल्लाह के रसूल ने बताया ईमान किसे कहते हैं, बुखारी शरीफ किताबुल ईमान जिल अव्वल की हदीस, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुल हब्बा इलैहि मि वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे इतनी मोहब्बत ना करे जितनी अपने माँ बाप से मोहब्बत ना करता हो, अपनी औलाद से मोहब्बत ना करता हो, दुनिया के तमाम रिश्तेदार और अहबाब से ज्यादा मुझसे जब तक मोहब्बत ना करे वो मोमिन हरगिज नहीं हो सकता। हमारे नजदीक तो मोमिन होने की शर्त यह है कि नबी से अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत, अपने बीवी से ज्यादा मोहब्बत, अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने आते रसूलल्लाह ने फरमाया, उमर कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? अर्ज किया, या रसूलल्लाह अपना माल सब आप पे कुर्बान कर सकता हूँ, अपना घर कुर्बान कर सकता हूँ, अपना माल कुर्बान कर सकता हूँ। नबी ने मुस्कुराया फरमाया, उमर ईमान कामिल नहीं हुआ है, ईमान मुकम्मल नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं तबलीगी जमात में 2 लाख रुपया चंदा दे दिया तो ईमान मुकम्मल हो गया, संदल निकाल दिया ईमान मुकम्मल हो गया, आपने सोचा कि एक बहुत बड़ी न्यास करवा दिया मैंने तो ईमान मुकम्मल हो गया। माल और दौलत ईमान की दलील नहीं है, माल सर्व करना ये ईमान है इसकी निशानी हो सकती है लेकिन ईमान होने की दलील नहीं हो सकती। हजरत उमर ने कहा, या रसूलल्लाह मैं अपना सब कुछ माल दौलत आप पर निसार कर सकता हूँ, कुर्बान कर सकता हूँ। नबी ने फरमाया, उमर ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फिर हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैं आपसे अपनी जान और अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत कर सकता हूँ, आप पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, औलाद भी कुर्बान कर सकता हूँ। नबी ने फरमाया, उमर अब ईमान मुकम्मल हुआ है। तो ईमान ये है, तो जो अपने जान से ज्यादा औलाद से ज्यादा अपनी बीवी और बच्चों से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करेगा उसका दिल यकीनन तड़पेगा कि इन हमारे महबूब की शान में ये तोहीन की जा रही है कि उनके इल्म को जानवर और पागलों की तशबीह दी जा रही है और ईमान रसूल की मोहब्बत और उसके बारे में ईमान अल्लाह की वहदानियत का इकरार, ईमान उलूहियत का इकरार, ईमान तौहीद को मानना, ईमान जन्नत और दोजख का यकीन रखना, ईमान फरिश्तों का यकीन रखना, ईमान महबूब से मोहब्बत करना, ईमान। मगर अशरफ अली थानवी साहब की तालीम है कि ईमान क्या है, पेट भरकर रोटी मिल जाए और आखिरत की बेहतरी क्या है। हमारे उलमाए सुन्नत आखिरत में एक ही बेहतरी बताते हैं, ये अल्लाह की तौफीक है हमारे लोगों को, हम कहते हैं आखिरत उसकी बेहतर है जिसको नबी की शफाअत मैसर आ जाए।
और पूरी जिंदगी हम यही कहते हैं, असालो का शफात या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आप मेरी शफात कीजिए। और कुरान ने भी हुक्म दिया, वलो अन्नहुम इज़लमू अनफुसहुम जाओ, ऐ लोगो ऐ ईमान वालो जब तुम अपनी जानों पर जुल्म करो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ, मेरे रसूल के पास आ जाओ, और मेरे रसूल के पास आके क्या करो, फस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से इस्तग़फार करो, वस्तग़फरा लहु रसूल, और मेरा रसूल भी अगर तुम्हारे लिए सिफारिश कर दे, तुम्हारी शफात कर दे, लवाजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम अल्लाह को सबसे ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो ये आखिरत की बेहतरी ये बताई गई कि नबी को शफी जानना, हमारा सारा मदार रसूलल्लाह की शफात पर है, इनके नजदीक आखिरत बहर क्या है, खुलकर पाखाना हो जाए। इससे